नागपुर महानगर पालिका के चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है खुद को मजबूत करने के लिए और खुद की दावेदारी साबित करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कई सारी पार्टियों में जो है कई सारे बदलाव हो रहे हैं, फिर वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या फिर शिवसेना क्यों ना हो। और अगर बात करें हम महाराष्ट्र राज्य की तो शिवसेना के हाथ में फिलहाल कमान है और इसलिए नागपुर जो कि बीजेपी का गढ़ है तो ऐसे में शिवसेना कहीं ना कहीं ये भी चाहेगी कि नागपुर में भी जो है शिवसेना को अच्छा रिजल्ट मिले और इसलिए कई सारे बदलाव किए गए। उसी में से एक बदलाव आज हमारे साथ है। हमारे साथ है लॉरेंस गेगरी जो कि नागपुर शहर के शिवसेना के उपाध्यक्ष है और एक नया चेहरा नागपुर को शिवसेना का देखने के लिए हमें मिलेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लॉरेंस आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके चैनल पे इंटरव्यू के लिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी जनता तक पहुँच पा रहा हूँ उन सभी जनता को मेरा जय महाराष्ट्र। मैं लॉरेंस ग्रेगरी, उपशहर प्रमुख, वाइस प्रेसिडेंट नागपुर सिटी शिवसेना, और मुझे शिवसेना में ज्वाइन होके प्रवेश होके मेरे को 6 महीने हो रहे हैं और मेरे को 5 महीने पहले मेरी सर्टिफिकेट मिली है मुझे। मैं ये कहना चाहूँगा बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं लेकिन शिवसेना से आपका जुड़ाव कैसा रहा, कैसे क्या इस ओर मतलब आ पाए? शिवसेना में मैं ऐसे जुड़ा हूँ कि मैंने शिवसेना का जो काम है वो काम ने मुझे यानी खींच के लाया, आकर्षित किया, और जो बाकी पार्टियों का मैंने देखा और इन कंपैरिजन टू शिवसेना का जो एक मोटो लेके चलते हैं 80% सामाजिक कार्य और 20% राजनीति, वो एक जो मेन मोटो है वो मेरे को यंगस्टर होने के नाते मेरे को ज़्यादा उसने आकर्षित किया है। और बाकी पार्टियों के मुकाबले मैंने शिवसेना का ज़्यादा काम देखा हूँ, ज़्यादा एक्टिव है शिवसेना, चाहे वो जनता रहे, चाहे वो आम लोगों तक पहुंचने का उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना रहे, मैंने शिवसेना को ज़्यादा एक्टिव देखा इन कंपैरिजन टू अदर पार्टीज। तो इसी वजह से आपने निर्णय लिया कि शिवसेना के साथ जुड़ते हैं। नागपुर की अगर बात करें तो शिवसेना के कई सारे और भी बड़े बड़े लोग जो है शिवसेना इस राजकीय पार्टी के साथ जुड़े लेकिन एक चेहरे को उन्होंने मौका दिया, लॉरेंस को। क्या लगता है आपको, क्या देख के इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो शिवसेना ने आपके कंधों पर दी है? मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शिवसेना एक पार्टी का, क्योंकि आपने बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि उनके पास बहुत सारे नेता है, बहुत सारे बड़े नाम है, बहुत सारे दिग्गज मौजूद है शिवसेना में और जिनको उन्होंने ज़ीरो से हीरो भी बनाया है सिर्फ उनके काम के चलते, और उनमें से मैं भी एक नया चेहरा हूँ, मुझे मौका दिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे आमदार साहब, हमारे दुष्यंत जी चतुर्वेदी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, हमारे जो शहर प्रेसिडेंट है, हमारे शहर अध्यक्ष जो है नितिन जी तिवारी, शहर प्रमुख, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे मानमोड़े साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि मुझे मौका दिया नए चेहरे को चलते। उन्होंने बस मेरे काम को चलते देख मेरे को ये इतना बड़ा पद दिया, मुझे इतना बड़ा मौका दिया, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि मैं जो पार्टी का स्तर है उसको नए चेहरे को लेके कि मैं और आगे तक लेके जा सकूँ। लॉरेंस, मैं ये पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं शिवसेना भी चाहती होगी कि आप जैसे कई सारे युवा जो है वो शिवसेना के साथ जुड़े, आप काम करते तो वो लोग भी काम करें, तो ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं यही वजह है कि थोड़े नए लोग भी जो है वो पार्टी में है और इसीलिए लॉरेंस को भी लाया गया क्योंकि लॉरेंस का काम बहुत अच्छा है? हाँ जी, यही एक मेन बात है शिवसेना में, यही एक मेन बात है कि हमारे जैसे यंगस्टर्स भी जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है उन्हें भी वो नया चेहरा बोल के सामने ला रहे हैं सिर्फ काम के चलते देख, ऐसे नहीं कि इन्हें दूसरी पार्टीज़ में मैं देखा, मैं किसी पार्टी का इन पिन पॉइंट नहीं करना चाहूँगा या नाम नहीं लेना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर पार्टी, लेकिन मैंने खुद मर्चेंट नेवी किया हूँ स्कॉटलैंड से, तो अगर और मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ तो एक अदरवाइज पॉलिटिक्स के अदरवाइज मैं एक आपको एक फंडा ये समझाना चाहूँगा कि अगर कहीं पे भी एक जो बिजनेसमैन रहेगा अपना पैसा डालने के पहले या पैसा फंसाने के पहले उसका स्टडी करेगा, है ना, तो मैं भी एक एजुकेटेड बंदा हूँ और एजुकेटेड अगर जो इंसान रहेगा पहले उसका एजुकेशन लेगा कि भैया उसके पीछे का बैकलॉग क्या है, है ना, उसके पीछे की समरी क्या है, वो पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है, क्या उसका बैकलॉग है, कैसे वो यंगस्टर्स लोग को मोटिवेट करती है, या सिर्फ वो अपना नाम ऊंचा करने के लिए, नाम को और बढ़ाने के लिए कि सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ले रही है, ऐसा पार्टी में कुछ भी नहीं है। मैं एक एक्सपीरियंस बंदा नहीं हूँ
लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को मौका दिया, नए चेहरे को मौका दिया, बस मेरे काम को चलते देख, मैं जो भी लोगों की मदद कर रहा हूँ उन तक वो बात पहुँची, उन्होंने मेरे को मौका दिया कि भैया आप काम करो और पार्टी को मैं और बढ़ा सकूँ। अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, इलेक्शंस आने वाले हैं, कहीं ना कहीं शिवसेना भी, आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे में युवाओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो नागपुर महानगर पालिका के चुनावों में रहेगी, और शिवसेना किस तरीके से नए नए युवाओं को जोड़ने के लिए तैयारी कर रही है, लोगों को जोड़ने के लिए तैयारी कर रही है? शिवसेना का जैसे मैं आपको पहले बताया मोटो, वो मोटो मैं एक साल मुंबई भी रहा हूँ तो मैंने शिवसेना का पावर देखा हूँ, और शिवसेना जितनी पावरफुल पार्टी कम से कम महाराष्ट्र में तो नहीं है। तो जैसा 40 साल गठबंधन में बीजेपी थी, तो 40 साल गठबंधन में थी तो चुन के आ रही थी, अगर बीजेपी इतनी सेंट्रलाइज पार्टी है और इतनी पावरफुल पार्टी है तो अभी जैसा गठबंधन नहीं है तो चुन के आ जाती, उनकी सरकार रहती महाराष्ट्र में, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कांग्रेस थी, कांग्रेस अपने अगर सेंट्रलाइज पार्टी थी वो चुन के आ जाती, वो अपना सत्ता खड़ा कर देती महाराष्ट्र में, ऐसा भी नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि शिवसेना का गठबंधन टूटा बीजेपी के साथ, तो बीजेपी और एनसीपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन बनाई। वो भी इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि उनको, या एक्सपीरियंस उनको है नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, वो भी एक्सपीरियंस्ड है और उन्होंने कुछ तो देखा होगा तो भी गठबंधन जोड़ा, नहीं तो सिंगल अपने दम पे लड़के अगर था लाइक तो जीत के आ सकते थे। तो शिवसेना का यही मोटो है कि शिवसेना जो जनता के, आम जनता के बीच में, गरीबों के बीच में और मजदूरों के बीच में और उनके बीच में जाके उनका आक्रोश लेती है, गली मोहल्ले तक जाके, एक एक छोटी छोटी गलियों तक जाके शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के नेता, शिवसेना के अधिकारी, हाँ युवा सेना बोलो आप, कामगार सेना बोलो, युवती सेना बोलो, हमारी सब सेना, हम लोग हर घर में जाके हर व्यक्ति के बीच पहुँचना चाहते हैं, उनका आक्रोश लेते हैं हम, उनकी क्या तकलीफ़ है, उनको क्या तकलीफ़ है जो कि दूसरी पार्टी पूरा नहीं कर पाई, वो हम लोग फीडबैक लेते हैं और वो फीडबैक के हम लोग ऊपर डिस्कशन करके हम उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, ताकि उनको आगे जाके जब कोई चीज़ में, जैसा दूसरी पार्टी जब सत्ता में थी तो उनको तकलीफ़ हुई, तो वो हम जब है सत्ता में तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे से भी उनको वही तकलीफ़ हो, मैंने दूसरी पार्टी में इतना नहीं देखा कि लोगों के बीच जाके, गली गली तक जाके, उनके घरों तक जाके वो उनका आक्रोश ले रहे, क्योंकि आप जब भी जाओगे तो सबसे पहले तो आपको आक्रोश झेलने मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपने काम नहीं करे हो, काम नहीं करे तो जाहिर सी बात है आपको गाली खाने मिलेंगी, तो वो हम लोग जा रहे हैं उनके बीच में, हम लोग सारी चीज़ें उनका फीडबैक ले रहे हैं, वो हम उनके बीच में जाके समझना चाह रहे हैं कि भैया तकलीफ़ क्या है आपको, और वही तकलीफ़ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करके और हम लोग उनको सांत्वना दे के और हम उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। नागपुर महानगर पालिका की बात करें तो सिर्फ मेरे ख्याल से दो ही नगर सेवक जो है वो शिवसेना पार्टी के, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं इस बार जो है शिवसेना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि राज्य में भी शिवसेना सरकार में है या फिर सत्ता में है, तो ऐसे में आपके तरफ से क्या कोशिश हो रही है कि ये आंकड़ा जो है ये बढ़ जाए? पहली बात तो ये आंकड़ा इस बार 110% हम लोग बढ़ा के देंगे, है ना, और तैयारी हमारी ऐसी चालू है कि हम लोग तैयारी, बस अभी इलेक्शन है इसलिए बोल के हम लोग तैयारी में जुटे नहीं हुए, हमारा पहले से ही, अगर हम सत्ता में हैं, सत्ता में नहीं हैं, हमारे पास कोई दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता या दूसरे पार्टी के लोग भी अगर हमारे पास आते हैं मदद मांगने के लिए, तो हम ये नहीं बोलते कि भैया आप बीजेपी के हो, आप बीजेपी के पास जाओ, आप वो आपको मदद करेंगे, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, या कांग्रेस का कोई आता तो हमारा ये नहीं है रोल कि हम उनको बोले कि हम उनको डाइवर्ट कर दें उनके पार्टी की तरफ, क्योंकि भैया आपने तो हमको वोट नहीं दिए थे, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम जो भी हमारे, हम अपने आर्म्स वाइड ओपन करके हम लोग उनको वेलकम करते हैं, उनका जो भी तकलीफ रहता है हम लोग 24/7 हमारे कार्यकर्ता लोग एक्टिव रहते हैं, आप आधी रात को भी हमारा दरवाज़ा खटखटाओगे कि भैया हमारे को मदद लग रही है, तो हम आधी रात को अपनी नींद से उठ के आपके लिए भागेंगे, ये है शिवसेना, है ना, और हमारी तैयारी ये है कि हमारे सभी बड़े लोग, हमारे नितिन भैया, मानमोड़े साहब, हमारे साकरे साहब, हमारे दुष्यंत भैया, हम लोग सभी जो वो हमको गाइड कर रहे हैं, और हम प्लान तो अभी रिवील नहीं कर सकते, लेकिन प्लान बहुत मजबूती से चालू है, हमारा घर घर तक पहुंचना चालू है, हमारा कार्यकाल हर, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो शाखा है हर गली में शाखा रहे, हर मोहल्ले में शाखा रहे, वो शाखा से हमारे लोग जुड़े, है ना, शाखा जा खड़ी हो गई, मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग जुड़ते हैं,
है ना, जब तक आप लोगों में एक्टिव नहीं रहोगे, जब तक जाओगे नहीं उनके बीच में और उनसे वार्तालाप नहीं करोगे, और आप अपने घर बैठे बोलोगे कि नहीं मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ और लोग हमारे तक आना चाहिए, हमारे को बोलना नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, समझ रहे। तो ये हमारे को लोगों के बीच में जाना है, लोगों की दुख तकलीफ को झेलना है, उनको समझना है और जो भी प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना है, और इसी तैयारी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमको बहुत यकीन है इस बार कि हम लोग अपनी सारी सीटें जितनी है उतनी चुन के लाएंगे। आप खुद भी नागपुर शहर में रहते हैं और काम से गए या फिर दूसरी चीज़ों के लिए आप नागपुर से बाहर भी गए हैं, तो नागपुर शहर को किस तरीके से देखते हैं, इसका डेवलपमेंट किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है आपको? डेवलपमेंट तो आप खुद ही देख रहे हो कि जो पुल जो बन रहे हैं वो पुल कैसे गिर रहे हैं, रोडों के कंडीशंस क्या है, हाँ कहाँ गड्ढे खुदे हैं, कितने कितने इंच के गड्ढे हैं, हाँ बीच रास्तों में, तो खुद प्रोग्रेस आप खुद ही देख पा रहे हो। और वहीं अगर हमारी सत्ता एक बार आ गई है तो फिर हम आपको खुद ही हमारे हम अपना डंका ये नहीं बजवाना चाहते हैं कि बैनर लगा दिए बड़े बड़े बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दिए और हम चाहते हैं कि हम वो चीज़ से चमके, नहीं हम काम करना चाहते हैं और अपने काम के दम पे हम अपना नाम करना चाहते हैं। ये नहीं कि हम होर्डिंग लगा दिए, हमने कुछ ये कर दिए और इलेक्शन आ रहे तो नहीं भी है, हम लोग वो शिविर ले ले कुछ, हमारा ये कोई नहीं है, हमारा ये बहुत पहले से ही चालू है और हम इसी में यकीन करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बताऊँगा और आगे भी यही बोलते रहूँगा कि हमारा जो मोटो है 80% राजनीति 80% सामाजिक कार्य और 20% राजनीति, ये हम लोग सारे कार्यकर्ता सारे बड़े नेता हमारे उद्धव साहब ने जो हमको बताया हम उसी को फॉलो करते हैं, हम उसी को अपने दिमाग में लेके चलते हैं। आप खुद एक युवा है, युवाओं की समस्या को अच्छी तरीके से जानते होंगे, आपको क्या लगता है कि नागपुर का जो युवा है उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, जो शिवसेना अगर कल आती है आपके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसे आप जल्द से जल्द दूर करना चाहेंगे नागपुर के युवाओं की? सबसे बेसिक प्रॉब्लम आजकल युवाओं की वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे युवा जो भी पढ़े लिखे युवा है वो डिग्री ले ले रहे हैं, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है ना, और उनको झूठे वायदे दिलाए जा रहे हैं कि भैया मिहान आ जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा, भैया मिहान आप एक बार जाके देख लीजिए आप कितना प्रोग्रेस हुआ है, आपको खुद पता चल जाएगा, मेरे से पूछने की भी आपको ज़रूरत नहीं। और कितने लोगों को उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दिलाया हुआ है पार्टी ने, वो भी आपको खुद देखने मिल जाएगा, कितने लोग डिग्री लेके घर पे बैठे हुए हैं, हाँ कितने। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत बड़ा एक शब्द है, अनएम्प्लॉयमेंट बोले तो एक बहुत ही यानी तगड़ा शब्द है, जो कि सारी चीज़ें सारी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट से चालू होती है, समझ रहे। आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको सारी चीज़ें खींचेंगी, आपको मारामारी खींचेंगी, आपको चोरी चकारी खींचेंगी, आपको डकैती खींचेंगी, तो ये सारी चीज़ें बेसिक प्रॉब्लम जो सारी चीज़ें चालू होता है वो है एजुकेशन। आप सबसे पहले तो हम अगर पार्टी के सत्ता में आए तो हम ये देखेंगे पहले तो कि भैया जो अनएजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं सबसे पहले तो उन पे ध्यान दिया जाए, है ना। सबसे पहले सब यानी 80% और 70% 60% तो प्रॉब्लम तो वही क्लियर हो जाता जब आपका जो आपकी जो जनता है वो अगर एक एजुकेटेड यानी एजुकेशन की तरफ उनका रुक गया तो आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। आप कभी भी देखोगे अगर फालतू की दाएं बाएं की बात जो करता है मारामारी में वही घुसता है जो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड है और अनएजुकेटेड है। तो अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं कि कोई भी, या तो आप राष्ट्र की ग्रोथ के लिए बोलिए या आप स्टेट की ग्रोथ के लिए बोलिए, अगर आपकी जनता एक तो अनएम्प्लॉयड है और एक अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड के साथ अनएम्प्लॉयमेंट जुड़ता है, ठीक है। तो हम तो पहली चीज़ ये चाहेंगे, मैं पहली चीज़ ये चाहूँगा कि पहले तो एजुकेशन के ऊपर काम करा जाए, दूसरा आपका अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ काम करा जाए। एजुकेटेड बंदा रहेगा तो अपने आप एम्प्लॉयड हो जाएगा, और नहीं एम्प्लॉयड होता तो फिर हम गारंटी लेते हैं उसकी कि हम उसको जॉब पे लगा के देंगे। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। क्या बात है। तो चलिए, एक बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कही कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है खासा ध्यान जो है वो शिवसेना देगी। युवाओं की ही बात करूंगा मैं, क्योंकि आप खुद एक युवा है। मैं कहूंगा कि अगर मोटे तौर पे आपकी भी बात होती होगी बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं से, तो क्या लगता है कि शिवसेना किसी और राजनीतिक पार्टी के साथ लड़ेगी या अकेली लड़ेगी या फिर सारी सीटों पर लड़ेगी, कैसा, क्या कुछ बात हुई आप लोगों की इस बारे में कोई जानकारी कि शिवसेना अगर महानगर पालिका में लड़ेगी तो कैसे लड़ेगी या फिर कुछ लिमिटेड सीट्स पर निकली, अगर आपकी बात हुई हो तो? देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी है और ये जितना भी कॉल है ये वरिष्ठ अधिकारी लोग का है, वो जो भी डिसीजन लेंगे उन पर हमको काम करना है। हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, हमको उन्हीं को फॉलो करना है। हमारे उद्धव साहब जो भी डिसीजन लेंगे और हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं जो भी डिसीजन लेंगे, हम वो सारी डिसीजन का वेलकम करते हैं और उसी पे हम काम करेंगे। आपकी तरह ही और भी कई सारे नए चेहरे देखने मिलेंगे नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में जिनको मौका देगी पार्टी? हाँ बिल्कुल, आपको देखने मिलेंगे मेरे जैसे नए चेहरे और हमारे जैसे नए चेहरे और पुराने चेहरों के सपोर्ट से, यानी जो हमारा नया चेहरा है उनको एक लगता है बैक सपोर्ट, और हमारा बैक सपोर्ट बन के हमारे दुष्यंत भैया, हमारे नितिन भैया, हमारे मानमोड़े साहब, हमारे साखरे साहब हमारे पीछे एकदम मजबूती से खड़े हैं, है ना। वो एक्सपीरियंस उनका खड़ा है और हमारे को एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। हमारे पीछे बैक सपोर्ट, हमारा एक बैकलॉग बन के वो बैक सपोर्ट खड़ा है हमारे पीछे, ये जो एक्सपीरियंस लोगों का कैटलॉग है, है ना। और हम बस, हम जो हमारा जोश है, हम जो जिस जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम बस आगे बढ़ने का काम है हमारा, और हम फॉर श्योर हम बहुत कमाल करके दिखाएंगे। क्या बात है। तो हम भी यही चाहते हैं और यही विश्वास भी रखते हैं कि ज़रूर शिवसेना इस बार जो है राजकीय समीकरणों में बदलाव करेगी और कुछ कमाल करेगी। महानगर पालिका के चुनाव होते हैं तो प्रचार भी करती हैं कई सारी राजनीतिक पार्टियाँ, और लॉरेंस आपकी भी कोई ना कोई रणनीति होगी, किस प्रकार प्रचार? हाँ जी, हमारी बिल्कुल रणनीति है। हम लोग पहले तो सबको, यानी अपना, जैसे कि आपको मैंने बताया कि शाखा उद्घाटन जो हमारा है, शाखा उद्घाटन का काम बहुत जोरों शोरों से चालू है। शाखा उद्घाटन होगा तो हर गली में, हर मोहल्ले में हम शाखा खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं और उस हिसाब से हम लोगों को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे जो नोदनी फॉर्म बोला जाता है उससे हम लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, हम शाखा के तौर पे लोगों को जोड़ रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी जनता को बताना चाहूँगा कि जैसे कांग्रेस पार्टी है तो जैसा बोला जाता है कि कांग्रेस पार्टी, देखिए आप अगर ये बोला जाएगा कि नेशनलाइज पार्टी है और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये जाहिर सी बात है एक बहुत पॉलिटिकल टॉक कर रहा हूँ मैं। तो अदरवाइज़ कैसे है कि अगर आप कांग्रेस को भी देखा जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी, मैं मेरी जो, मैं एक कैथलिक हूँ और एक दिमाग में ये बैठा लिया गया है कि शिवसेना एक भगवा पार्टी है, है ना। तो मैं आपको ये, आपसे ये, आपकी चैनल के माध्यम से ये भी जनता को बोलना चाहूँगा, अगर शिवसेना इतनी भगवा पार्टी है तो मैं तो एक कैथलिक हूँ, एक कट्टर कैथलिक हूँ, तो मेरे को उन्होंने कैसे स्वीकारा शिवसेना फैमिली में, है ना। और अगर शिवसेना फैमिली में स्वीकारा तो इतना बड़ा पद कैसे दिया, शहर लेवल का पद जो मेरे को दिया है वो ऐसे कैसे मेरे को पद मिल गया, है ना। तो ये बहुत ढकोसले वाली बातें हैं कि शिवसेना अगर भगवा पार्टी है या मराठा पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जात पात को कोई मोल नहीं है, आपके सिर्फ काम को सराहा जाता है और काम के ज़रिए आपको आगे बढ़ाया जाता है, है ना। तो ये सबसे पहली चीज़ तो अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं आगे में, तो मैं सबसे पहली चीज़ तो आपके, मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला है कि आपसे इंटरव्यू, आप मेरा इंटरव्यू के लिए आए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा जनता को कि ऐसा कुछ नहीं है कि मराठा पार्टी है या भगवा पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैथलिक रह के मेरे को शिवसेना पार्टी ने बहुत अच्छा स्वीकारा, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना। और रही बात कि जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी बोलते हैं कि
मुसलमान की पार्टी है या मुस्लिम वोट बैंक है उनका या क्रिश्चियन वोट बैंक है। आप मेरे को ये चीज़ बताइए कि आपको उनके लोगों में कहीं आपको क्रॉस का निशान दिखता है? नहीं दिखता है। तो आपने कैसे मान लिया कि वो कैथलिक्स लोग की पार्टी है? और या कहीं का आपको चांद तारे दिखते हैं तो मुस्लिम्स ने कैसे मान लिया कि वो मुस्लिम्स की पार्टी है? अपने दिमाग में बैठा लगा है, 60 साल से कोई देश चलाते आ रहा है एक परिवार है ना। तो ये भी सही नहीं है कि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, दूसरों को भी अपना प्रूव करने का कुछ मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अभी कोरोना काल में मैंने तो कोई ऐसा पार्टी के लीडर को नहीं देखा, ठोस लीडर को, कि वो सामने से आया है और या कुछ हमको मोटिवेट दिया है, आप थाली बजा दो, घंटा बजा दो, ये कर दो, वो कर दो, उससे कोरोना नहीं जा रहा है। आपको सबको मालूम है, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि उससे कोरोना नहीं जा रहा है, ठीक है। वहीं उद्धव साहब थे हमारे जो फेसबुक लाइव में आके आम जनता से आम बन के बातें कर रहे थे, उनको सांत्वना दे रहे थे, उनको ये बोल रहे थे कि आप हौसला रखिए, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, है ना। वहीं आप चर्च में जाइए, आपके जीसस से प्रे करिए, आपके मस्जिद में जाइए, है ना, आपके मंदिर में जाइए, ये सब उनके शब्द है, है ना। तो इससे यही समझ में आता है कि वो कितना यानी क्या भावना रखते हैं, है ना, कितना जात पात की भावना जो अदर पार्टीज अगर फैला रही है कि अगर जात पात वाली अगर पार्टी ये है तो ये इतना बातें होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि जब कोंकण में अभी बाढ़ भी आई थी तो जब फडणवीस साहब की सरकार थी तो आपको ये तो बात पता होंगी कि हम जब एयर सर्वे लेते हैं तो वो हेलीकॉप्टर का जो एक एक आर का जो खर्चा रहता है वो काफ़ी रहता है, है ना। और आप 2-4-5 घंटा अगर सर्वे ले रहे हो तो वो कहाँ से पैसे कहाँ से जा रहे हैं? वो आपके जेब से जा रहे हैं, उनके जेब से जा रहे हैं? नहीं, वो हम भर रहे हैं, हम और आप भर रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स है उनके जेब से जा रहे हैं पैसे, वो है ना। ये लोग सब पेरोल पे रहते हैं, वो किससे कौन पैसा दे रहा है? वो गवर्नमेंट बोले तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो हमारे से पैसे आ रहे हैं ना, हम भर रहे हैं ना, हम इनकम टैक्स भर रहे हैं ना, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं भर रहा हूँ, आप भर रहे हो, तो वो उससे पैसे आ रहे हैं और वो पैसों से उनका भी काम चालू है ना। तो उद्धव साहब ने ये सारी चीज़ें नहीं करते हुए, उन्होंने एयर सर्वे नहीं लिए होते, वही कीचड़ में और वही लोगों के बीच में जाके रोते बिलखते लोगों के बीच में जाके उनकी तकलीफ को समझा, उन्होंने ये बोला कि नहीं भैया मैं वो पैसे वो एयर सर्वे पे नहीं खर्च करते हुए मैं इनके बीच में खर्च करूँगा इनके हित के लिए, और ये जो इनके उजड़े घर है अभी बाढ़ तो आ गई, अब उसके लिए वो भी क्या करेंगे, लेकिन वो उनके बीच में जाके वो देख रहे तहस नहस कितना क्या हुआ है और मैं कितना इनके लिए काम कर सकता हूँ। ये होता है लीडर। ये लीडर नहीं होता है कि भैया ऊपर बैठ गया चेयर पे, हाँ, और वो कमांड कर रहा है, हाँ देख रहा है, हाँ तू ऐसा कर ले अपने कार्य करता हूँ। हमारे लीडर वैसे नहीं है, हमारे लीडर हमारे बीच में जाके, मैं ये पूछना चाहूँगा अभी नए नए जो लोग जुड़ रहे हैं दूसरी पार्टी से भी, यंग लोग जो जुड़ रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपसे कौन से लीडर ने आके, कौन से सोनिया गांधी ने आके, कौन से राहुल गांधी ने आके आपसे बात करा है, या कौन से अमित शाह ने आके, या कौन से नरेंद्र मोदी ने आके आपसे बात करा है? मैं बताता हूँ कि मेरे से बात की है मेरे लीडर ने, जिनको मैं यानी हम तो भगवान के तौर पे मानते हैं उनको, है ना। अगर जिसने हमको मौका दिया और जो हम वही लीडर को फॉलो करेंगे, मैं कोई यानी पढ़ा लिखा अनपढ़ तो हूँ नहीं कि मैं मेरे को कहीं आपने लॉलीपॉप दिखाया तो मैं उसके पीछे दौड़ गया। मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, मैंने इनका काम देखा और क्या किस इनकी क्या नीयत है और क्या लोगों के बीच में जाके काम करना चाहते हैं। तो मैं ये देख के मैं पार्टी में आया और यही देख के ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुसलमान को भी उतना ही मोल है शिवसेना में, एक मराठा को भी उतना ही, और एक क्रिश्चियन रह के मेरे को भी उतना ही मोल है, यानी सारे सर्वधर्म संपन्न ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये बोलते हैं हम, है ना। तो यही है शिवसेना का जो मोटो है, हम यही लेके चलते हैं आगे में भी। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी हमारी आम जनता देख रही है, आपको कभी भी कोई भी चीज़ की तकलीफ है, हमारा हर कार्यकर्ता अवेलेबल है आपके लिए, हमारा हर नेता अवेलेबल है आपके लिए, और हम लोग लोगों के बीच जाके काम करते हैं। हम ये लीडरगिरी करके हम काम में यकीन भी नहीं करते, क्योंकि हमारा लीडर ही वैसे नहीं है, उद्धव साहब ही वैसे नहीं है कि पैसे कमाने के लिए बटे या कुछ करने के लिए। जो वो 80% राजनीतिक कार्य को प्रोटेक्ट करने के लिए 20% जो राजनीति लगती है वो हम करते हैं, ठीक है। तो ये हम इसी विषय से हम आगे बढ़ रहे हैं और यही हम मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जनता को। तो लॉरेंस बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, हमसे इतनी सारी बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके चैनल पे इंटरव्यू के लिए।
थैंक यू सो मच। ये तो थे लॉरेंस जो कि नागपुर शहर शिवसेना के जो है उपाध्यक्ष है, जिन्होंने शिवसेना की जो भी अभी आने वाली राजनीति है, जिस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर हमने उनसे बात की है। प्रोग्राम अगर आप फेसबुक पर या यूट्यूब पर देख रहे हैं और अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स जो है वो कमेंट बॉक्स खाली है, उस पर आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप जी टी पी या फिर एशियन न्यूज़ पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हम लोग फेसबुक यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, तो आप लोग हमें ज़रूर फॉलो कर सकते हैं और आगे की अपडेट्स जो है जान सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बोल बिंदास बोल में बस इतना ही। मैं अमूल आप लोगों से विदा लेता हूँ, लेकिन आप लोग अधिक जानकारी के लिए और अधिक खबरों के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल जिसका नाम है वीकेबी न्यूज़। हम लोग प्ले स्टोर भी अवेलेबल है जहाँ से आप ऐप के जरिए भी सारी खबरें जान सकते हैं।